अब ट्रैक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित उपहार। किसानों के लिए फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बना अभी तक का नंबर वन ट्रैक्टर। तो देर किस बात की, ट्रैक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपेंद्र पड़रिया 94-25-99-99-20। हमारा पता है पड़रिया ट्रैक्टर से शोरूम चांदपुर रोड रहली सागर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। पंचायत चुनाव पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार और राज्यपाल की तरफ से मुहर लग गई है। इसके बाद मामला निर्वाचन आयोग के पास है। निर्वाचन आयोग का इस मुद्दे पर बैठकों का दौर जारी है। चुनाव रद्द करने का आधिकारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन निर्वाचन आयोग के सचिव BS जामोद ने बयान दिया कि अभी इस पर मंथन चल रहा है, फिलहाल कोई घोषणा नहीं की जाएगी। अब मामले में केंद्र सरकार की भी एंट्री हो गई है। केंद्र पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे गई है। केंद्र सरकार की दलील मध्य प्रदेश में OBC सीटों पर चुनाव पर लगी रोक के फैसले को लेकर केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 17 दिसंबर को जारी फैसले को वापस लेने की अपील की है। बता दें कि SC ने अपने आदेश में मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में OBC के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव पर रोक लगाई थी और आदेश किया था कि इन सीटों को सामान्य वर्ग के लिए घोषित किए जाए। मामले पर केंद्र सरकार ने अपील लगाई है। केंद्र सरकार ने अपील में कहा है कि SC, ST और OBC के उत्थान के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता है। अगर OBC वर्ग को स्थानीय निकायों में सही प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो ये उनके साथ अन्याय होगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह स्थानीय निकाय चुनाव को 4 महीने के लिए स्थगित करने का आदेश दें। इस बीच राज्य सरकार कमीशन की रिपोर्ट पेश कर पाएगा। केंद्र सरकार की दलील है कि ये मुद्दा देश की आम जनता से जुड़ा हुआ है। पूरे देश में होने वाले चुनाव में OBC आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। केंद्र ने कहा कि OBC को अपर्याप्त आरक्षण या कम आरक्षण देना अन्याय होगा। OBC वर्ग लोकतांत्रिक ढंग से चुने जाने से वंचित रह जाएगा। निर्वाचन आयोग का फैसला। निर्वाचन आयोग फिलहाल पंचायत चुनाव की अधिसूचना निरस्त होने के बाद विधि विशेषज्ञों से राय ले रहा है। इसे लेकर बैठकें की जा रही हैं। अध्यादेश को लेकर सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव की ओर अध्यादेश को लेकर प्रतिवेदन पेश किया गया। कयास लगाए जा रहे थे कि आयोग पंचायत चुनाव निरस्त करने को लेकर जल्द फैसला दे सकता है। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग सभी पहलुओं पर अच्छे से विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला सुनाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की थी, जिसके बाद देर शाम चुनाव निरस्त करने को लेकर अधिसूचना जारी हो गई थी। हालांकि इसको लेकर अंतिम फैसला मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज। श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष नेमा चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड रहली देवरी रोड चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 91-31-25-97-36।